नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। कटिहार में 78 वर्ष के जगदीश प्रसाद साह आरटीआई को भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार बनाकर लगातार जंग लड़ रहे हैं। 2007 से 2022 तक वह लगभग 15,000 आरटीआई अलग अलग विभागों में डाल चुके हैं। रेलवे से जुड़े मामले में ही उन्होंने 5,000 से 6,000 आरटीआई डाल चुका है। ZRCC के सदस्य रहे जगदीश शाह रेलवे से जुड़े मामलों पर भी काफी अच्छा पकड़ है, इसलिए आरटीआई के माध्यम से अक्सर भ्रष्टाचार के इन मामलों को उजागर करते रहते हैं। वरिष्ठ उम्र के जगदीश प्रसाद कहते हैं कि आरटीआई के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार को उजागर कर संबंधित विभाग को उस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए आगे देश और प्रदेश को बेहतर ढंग से विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सही तत्वों की जानकारी लेकर देश के विकास के लिए जिम्मेदारी से आवाज बुलंद करना चाहिए। कटिहार गामी टोला के रहने वाले जगदीश प्रसाद साह की पहचान प्रदेश में सबसे अधिक आरटीआई करने वालों के कतार में शामिल है। आगे जगदीश प्रसाद साह कहते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहेगी। तो हम कह रहे कि जवाब तो आ करके पड़ा हुआ है, लेकिन उसके सत्यापन के लिए बोर्ड को लिखना होगा। अब तक 2007 से 2022 तक में 15,000 के और 10,000 के लगभग बीच में कहिए, वो मेरे पास अभी तक मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल लोअर डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट, CGM के कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर का PMO ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, ऑनरेबल और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जितने भी केंद्रीय मंत्रालय के अलावे स्टेट गवर्नमेंट के भी सभी मंत्रालय से संबंधित कार्यालय हैं, वो PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड अपीली अथॉरिटी को मैं अपील किया हूँ। बिहार के बिहार राज्य सूचना आयोग के यहाँ सेकंड अपील किया हूँ, कई बार मैं वहाँ गया हूँ। अच्छा, रेलवे के क्षेत्र में आपने सबसे ज्यादा आरटीआई लगाया, कितना आरटीआई रेलवे के क्षेत्र में लगा, क्या क्या क्षेत्रों में? करीब 5,000-6,000 अब तक मैं कर चुका हूँ रेलवे को, रेलवे बोर्ड तक। क्या क्या उसमें? जोनल ऑफिस, ऑल जोनल ऑफिस, रेलवे बोर्ड और सर्वाधिक जो है NF रेलवे और EC रेलवे हाजीपुर को मैंने आरटीआई लगाया। क्या क्या मामला उसमें उठाए हैं? मामला जनहित का है, यात्रियों के हित की बात है और नशा खुरानी के शिकार होने वाले निर्दोष जो टिकट के साथ यात्रा करने वाले पैसेंजर्स जिन्हें बेहोशी के हालत में प्लेटफॉर्म पर सुला दिया जाता है और वहीं वो दम तोड़ देते हैं, अगर उसको सदर हॉस्पिटल या रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती तुरंत कर दिया जाए तो जान बच सकती है और उनके साथ जो लगेज है वो तो लापता हो जाता है, कौन ले गया नहीं ले गया। कौन कौन से क्षेत्रों में लगा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार? लेकिन मेरा ये दावा है कि GRP के जो इंचार्ज होते हैं थाना का, वो किसी भी बिहार के थानों में, GRP के रेल थानों में जिनका ट्रांसफ़र होता है या पोस्टिंग होता है, योगदान करते हैं, तो ये नशा खुरानी की घटनाएं घटती है या बढ़ती है ये डिपेंड करता है वो ईमानदार अफसर के ऊपर में। ईमानदार अफसर आते हैं तो घट जाता है, भ्रष्ट अफसर ज्वाइन करते हैं तो बढ़ जाता है। कौन कौन? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।